हाय फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपना कॉलेज में से कोर्स कैसे चेंज करना है. सेम कॉलेज में आपको आप आए हो कनाडा में, आपको कॉलेज में सेम कॉलेज में दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है, वो कैसे करना है. सेम तरीका है, उसमें आपको स्टडी परमिट वर्क कुछ करने स्टडी परमिट में कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, आपको DLN नंबर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. तीसरी बात, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाना है, उनसे बात करनी है, अपने डिपार्टमेंट से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करनी है दैट आई वांट टू चेंज माय कोर्स, मेरे को ये कोर्स अच्छा नहीं लगा, मेरे को इस कोर्स में जाना है. आपको अपना बताना पड़ेगा कि कौन से वाले कोर्स में जाना चाहते हो. डोंट आस्क देम, यू शुड नो दिस दैट आई वांट टू चेंज इनटू दिस कोर्स, मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ. तो आप उनको बताएंगे क्यों जाना चाहते हैं, मे बी आपसे वो पूछें. एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा, मे बी वो उसमें आपको कोर्स कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है या आपको पता है कि ये डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो आप वो शुरू में भी कर सकते. अगर आप आते ही वो आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात कर लो तो आप पहले सेमेस्टर को बचा सकते हो. एंड उसमें क्या होगा कि आपकी मे बी फीस भी वो दूसरे कोर्स में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है. उसके लिए आपको पहले सेमेस्टर का बच जाएगा. और अगर दूसरे अगर आपने एक सेमेस्टर कर लिया और आपको पता है कि नहीं हो रहा है, दैट्स ओके. स्टिल दोनों केसेस में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उस कोर्स में सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए. तो वो आपको पता चल जाएगा कि सीट्स अवेलेबल है तो आपको इमीडिएटली वो कर देंगे ट्रांसफ़र टू डिफरेंट कोर्स एंड आप अपनी स्टडी ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको खुद को ही नहीं पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो वो प्रॉब्लम है. तो आप वो आते ही अपना डिसाइड कर लें. मैं तो बोलूँगी कि अगर आप इंडिया में हैं ना जब, तो आपको पता है कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होती है वहाँ पे आपको उस कोर्स जो आप कोर्स लिया है उसके सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. एंड उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरे को आएगा. और आपको देख सकते हैं अगर आपको वीज़ा लग गया और यहाँ पे आ गए, तुरंत आप अपने कोऑर्डिनेटर से मिलें एंड टेल देम दैट यू जस्ट रियलाइज दैट आप ये कोर्स नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो देखें कि आपको जो कोर्स आप जाना चाहते हो उसमें आप उनको बताएं कि क्या इसमें सीट्स अवेलेबल हैं. अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो ही आप उसको कंटिन्यू करें. अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो बीच में प्लीज़ कोर्स को मत छोड़ें, कंप्लीट करें एंड फिर आप दूसरा कंटिन्यू कर लें. एंड ऑब्वियसली अगर आपका आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स कितने टाइम का है और आपके पास कितने टाइम का स्टडी परमिट है, तो आप स्टडी परमिट कंप्लीट होने से पहले एक्सपायर होने से पहले उसको प्लीज़ एक्सटेंड करवा लें. स्टडी परमिट एक्सटेंड हो जाता है तो जस्ट आपको ध्यान रखना है. मेरी एक फ्रेंड ने स्टडी परमिट पे ध्यान नहीं दिया, उसका एक मंथ ऊपर निकल गया और उसको इंडिया जाना पड़ा. तो आई डोंट वांट कि ये आपके साथ भी हो. तो आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो स्टडी परमिट मिलेगा यहाँ पे कैनेडा में एंटर होने में आपको मिलेगा. अगर आप टोरंटो से आ रहे हो, पहली जगह जहाँ पे भी आप आ रहे हो वहाँ से मिलेगा. एंड उसको आप हमेशा अपने पास ध्यान से रखें और उसको उसकी एक्सपायरी डेट को हमेशा ध्यान में रखें. एक्सपायर होने से पहले आपको अप्लाई करना है. अगर आप एक दिन भी लेट हो गए तो प्रॉब्लम है. एंड इसमें कोर्स चेंज करना बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई DLI नंबर नहीं अपडेट करना है. आपको वेरी इजीली आपका जो है अपडेट हो जाएगा. आपको जस्ट अपने आप को ध्यान रखना है कि आपने जल्दी से पहले ही अपने कोर्स को चेंज करने की कोशिश करनी है. ऐसा ना हो कि आधा कोर्स करने के बाद आधा कोर्स करने के बाद आपको एक साल करने के बाद आपको लगे कि यार अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, तो वो तो आपका एक साल ख़राब हो जाएगा. आपको फीसेज ऐसे चले जाएंगी. तो मेक श्योर कि जो भी आप कोर्स ले रहे हो उसकी सारे सब्जेक्ट्स को देख लें कि क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, क्योंकि वो हमेशा डिटेल में देते हैं.
एंड अगर आपको नहीं वो सही लग रहा तो मेक श्योर कि आप जल्दी से पहले एक्शन लें और अपना कोर्स चेंज कर लें. एंड अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें. आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू विद माई आंसर. एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.